Yeah. Now. Good afternoon, everyone. So here we are, Jibodara family. These are all our children from Jibodara, and he is Rameshwar, our master chef. Today we are going to show some hidden talents which he has. He'll close his eyes. वो अपने आंखों को कपड़े से बंद करेगा and he'll cut all the vegetables. So this is his hidden talent which we are going to see now, and we are going to be evident of this. So now he's going to cut this onions, cabbage, tomatoes and green chilies without seeing. बिना देख के वो उनके आंखों में पट्टी बांध के ये सब काटेंगे जो हम अभी देखने जाएंगे, और हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे इसका देखने. सभी लोडा कर रहे हैं. अभी मैं बॉबी है इसका नाम, मैं बॉबी को बुला रहा हूँ कि वो आके रामेश्वर की आके अच्छे से टाइट करके बांध दे ताकि वो देख ना पाए और उनका टैलेंट हम अच्छे से देख पाए. इस तरह से वो बिना देखे सब्जियां काटते हैं. दिखा देंगे रामेश्वर. अच्छे से बांधो. धीरे धीरे से. हाँ, अभी हाँ, एडजस्ट करो. So, Rameshwar, कैसा लग रहा है अभी? आपको दिखाई दे रहा है कुछ? Okay, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. कितनी अम्लियाँ हैं मेरे, मैंने दिखाया आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है क्या. फिर भी गैस कीजिए. मैं बता नहीं सकता इसको. चलिए, इसका मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा. चलिए, अभी आप बिना देखे अपना पोजिशन ले सकते हैं. Yes, so he is ready. We are going to see now. बच्चों को बहुत डर लग रहा है ये देखते हुए. देखा कितनी तेजी से वो प्याज काट रहे बिना देखे. हमको तो देखते हुए भी हाथ कटने का डर लगा रहता है. इस awesome and highly talented. वो भी एक नहीं, एक साथ देखिए, दो दो टुकड़े प्याज के एक साथ को काट रहे हैं, वो भी इतनी स्पीड में. प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते. हाँ, वो काफी रिस्की हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं और आप घर पे कोशिश कर रहे हैं बिना इसको प्रैक्टिस किए, तो इससे आपका हाथ कटने का डर बना रहेगा. आप देख सकते हैं हमारे देश में कितने टैलेंटेड लोग रहते हैं जिनका टैलेंट बाहर निकल के नहीं आ पाता. कितने बारीकी से उन्होंने ये सारे प्याज काटे हैं बिना देखे. लग रहा है किसी मशीन से कटे हो. कितने सफाई से उन्होंने सारे प्याज को उठा के प्लेट में रखा. प्याज काटना खत्म हो गया. अब शायद वो, मैं देख रहा हूँ वो क्या काटना चाह रहे हैं. पत्ता गोभी, कैबेज. इज गोइंग टू कट कैबेज नाउ. बहुत सारे लोगों को देख के भी पत्ता गोभी काटते नहीं आता. अरे बाप रे. मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है देखते हुए. वाओ, इज रियली ग्रेट.
सब्जी कैबेज नहीं अभी वो टमाटर काटेंगे कितने सफाई से उनकी कटिंग हो रही है आप देख सकते हैं वेरी नाइस हमने जो कहावत सुनी थी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हम आज उसको सच्ची में देख सकते हैं बस हो गया तीन टमाटर बहुत हो गया आपने बचा कुछ नहीं होता अच्छा बनेगा थोड़ा टमाटर चिंटू शेप में काटा है टमाटर बाबू उसी प्लेट में उन्होंने डाला प्याज हो गया टमाटर हो गया कैबेज हो गया अगला उनका है हरी मिर्च एक ही बार में सारे हरी मिर्च उठा ली उन्होंने जोरदार तालियां रामेश्वर की इतने बारीकी से हर एक मिर्च का एक जैसा साइज कोई छोटा बड़ा नहीं कोई देख के बोलेगा नहीं कि बिना देख के किसी ने काटा है बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं हर एक चीज को कितने बारीकी से उन्होंने काटा बिल्कुल एक ही साइज में मुझे तो बहुत डर लग रहा था ये देखते हुए पर मैं जानना चाहूंगा सभी बच्चों से कि उनको कैसा लगा तो बच्चे आप जब भैया काट रहे थे बिना देखे तब आपको कैसा महसूस हो रहा था लग रहा था कि हाथ कटेगा भैया कितना टैलेंटेड है पूछूंगा वो जब ऐसा कर रहे थे इतना अच्छा कारनामा उन्होंने कर दिखाया तो उनको कैसा लगा मेरे पहले से कर रहा हूँ लेकिन आज सब लोग बोलते हैं भैया देखना चाहता हूँ देखना चाहते हैं सभी बोलते हैं बोले कि आप पहले एक बार करते थे इधर उधर देखते रहते हो काट लेते हो बोले कि एक बार मैंने कहा ठीक है मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो आज मैं दिखा दिया सभी को विश्वास करता हूँ कि रामेश्वर का ये टैलेंट और भी लोग देखेंगे और भले ही इटारसी के एक छोटे से गांव के छोटे से जगह से हैं हर लोग इनके टैलेंट को जरूर पहचानते हैं।